स्टूडेंट मैं उत्कर्ष यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। मैं आपके लिए आज फिर से एक बार इंटीग्रेशन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं, तो चलिए देर न करते हुए आज की ट्रिक्स को समझते हैं। आज हम जो ट्रिक्स सीखेंगे वो पहली ट्रिक हमारी जो है वो इस प्रकार की है। जब भी आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना हो और लिमिट दी हुई हो तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, और साइन एक्स अगर मोड में हो तब। तो देखिए, जब भी आपको ऐसे इंटीग्रेशन करना है ऐसे का, तो हम कैसे करेंगे, इसका एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। अगर जब कभी आपको लिमिट दी जाए जीरो से एन पाई, एन हमारा इंटीजर है, एन की जगह हमारे पास नंबर हो सकते हैं और पाई उसके साथ लगा हो, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक छोटी ट्रिक है, उसका आंसर हम केवल ऐसे लिख सकते हैं 2n। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई क्वेश्चन दिया है, जीरो से थ्री पाई दिया हुआ है और इसका मोड साइन एक्स है, और बोले आप इसका क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। आप काफी आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2n, तो 2n की जगह पर अब आपको क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3, तो 2 3 जो हो जाएगा 6, ये हमारा आ जाएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया हो जीरो से 4π इंटीग्रेट कराना है मोड साइन एक्स dx को, तो ठीक इसी प्रकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 4, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जब कभी आपको मोड में साइन एक्स का इंटीग्रेशन कराना हो और लिमिट दी हो 0 से n पाई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टाइप फर्स्ट। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी ट्रिक क्या होती है हमारी आज की, नोट कर लीजिए इसको आप। दूसरी जो ट्रिक है वो हमारी है डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में हमारा कैसे, हमने पिछली क्लास में एक डेफिनेट इंटीग्रल की ट्रिक सीखी थी, आज दूसरी ट्रिक सीखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। जैसे जब कभी हमको 0 से पाई बाई 2 लिमिट दी हुई हो और उसको क्या हमको क्या कराना हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमको क्या कराना हो, इंटीग्रेट कराना हो। जैसे हम मान लेते हैं साइन की पावर 3 4x, मान लेते हैं इसका क्या कराना हमको, इंटीग्रेट कराना। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे ऐसे क्वेश्चन में पावर इवन दी हुई है, तो हम सबसे पहले ऑड नंबर्स को लिखेंगे इसके नीचे वाले, तो 4 से नीचे वाले ऑड नंबर्स क्या हो गया हमारे 3 हो गया, और क्या हो गया मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे 1 हो गया। ऑड नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अपॉन लगाना है, और उसके बाद अब इवन नंबर को लिखना है, जो इवन नंबर दिया है वो लिखेंगे और उससे नीचे वाले भी जितने इवन नंबर्स होते हैं उसको लिखेंगे। जैसे 4 दिया था तो 4 लिखा और क्या लिख दिया मल्टीप्लाई का 2 लिख दिया, इतना हो गया। फिर और कुछ नहीं करना, इसके बाद हमको पाई बाई 2 से इसको पूरे को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 × 3 = 3 5 4 × 8 = 16, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए आराम से। दूसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि इंटीग्रेट हमको कराना है 0 से पाई बाई 2, और हम क्वेश्चन ले लेते हैं अब यहाँ पे क्या, कॉस की पावर 6x dx। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पावर फिर इवन दी, चलो इवन एक समझ लिए तो ऑड वाला कंडीशन ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ क्या दी हुई है 5 दिया है, तो क्या अब पावर ऑड दी हुई है, तो न्यूमरेटर में कौन से नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। तो 5 के नीचे वाले इवन नंबर कौन कौन से हो गए हमारा, 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपॉन लगाएंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, ऑड नंबर्स लिखेंगे। ऑड नंबर पहला हमारा 5 दिया है, फिर उसके नीचे वाला 3 हो जाएगा और 1। मल्टीप्लाई हमको किससे करना है, पाई बाय 2 से। इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 2 = 8, ये हो गया 8π, अपॉन में 5 × 3 = 15, ये हो गया इसका क्या फाइनल आंसर हो गया। ठीक, आप इसी ये ट्रिक अप्लाई कब करेगा, जब साइन और कॉस रहेगा और लिमिट चल रही होगी कब, 0 से पाई बाय 2। इस टाइप से क्वेश्चन आप काफी आराम से कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।